हेलो, मैं तन्वी सिन्हा टुडेज टॉक में आप सभी का वेलकम करती हूँ। अभी हमारे बीच मौजूद हैं साई इंटरटेनमेंट्स की डायरेक्टर रिंकी शर्मा जी, और उन्होंने 2 साल में ही लगभग 30 इवेंट्स अभी तक ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में और उनकी अपकमिंग इवेंट्स क्या क्या हैं। हेलो मैम टू द शो, एंड मैम वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली साई एंटरटेनमेंट में हम बहुत सारे तरह के इवेंट्स करते हैं। वी डोंट फोकस ऑन स्पेसिफिक मॉडल्स की हाँ मुस्लिम हो, हम हर घर की औरत को भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। साथ साथ हमारा फोकस बच्चों पे भी रहता है, बिकॉज वी कंसिडर कि किड्स आर आर फ्यूचर, तो उनको भी हम टैलेंट शोज़ के द्वारा उनको काफ़ी सारा मतलब काफ़ी प्लेटफॉर्म मिलता है हमारे शो के द्वारा। और इसी तरह हम शोज़ करते आए हैं, और साथ ही साथ हम कॉरपोरेट इवेंट्स में भी हैं। तो बेसिकली कॉरपोरेट इवेंट्स एंड फैशन शो, ब्यूटी पैजेंट्स एंड टैलेंट हंट्स, सो बेसिकली वी डू ऑल दिस इन आर साई एंटरटेनमेंट्स। सो वी हैव ऑलरेडी हर्ड दैट यू हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज 30 इवेंट्स इन पास्ट 2 डेज 2 ईयर्स। सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट वॉट आर द डिफरेंट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट यू हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग, एंड वॉट इज़ योर फ्यूचर गोल दैट यू विल बी ऑर्गेनाइजिंग, विच काइंड ऑफ इवेंट्स? सी टिल डेट एज आई टोल्ड यू कि वी हैव फोकस्ड मोर ऑन लेडीज एंड किड्स, तो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ब्यूटी पैजेंट्स रिलेटेड टू दैट फॉर वुमेन, जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म महिलाओं को दे तो रहे हैं, पर मेरा फर्स्ट फोकस होता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए अपने इवेंट्स के थ्रू। बिकॉज हम जो स्टेज देते हैं, हम प्लेटफॉर्म देते हैं, वहाँ हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बुलाते हैं, ना कि हम टॉप 3 निकाल के दूसरों को हम दिखाएं कि उसमें कमी है। तो आई थिंक जो भी हमारे साथ जुड़ता है साई एंटरटेनमेंट्स, वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी ही डिक्लेयर हो जाता है, बस 19-20 का फ़र्क रहता है। तो वो भी हम उनको ये बोलते हैं कि इसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, नेक्स्ट शो में आप फिर से यू आर मोस्ट वेलकम। सिमिलरली किड्स के लिए भी हमारा इसी तरह फोकस रहा है कि उनको आगे से आगे हम लेके जाएं। और साई एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि साई बाबा इज़ कनेक्टेड विद दिस फर्म। एंड मैं बताना चाहूँगी, मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ साई एंटरटेनमेंट के जो डायरेक्टर हैं, आई मीन सीईओ तो साई बाबा जी हैं, और मैं एक संचालक हूँ, जो मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं मैं वही करती हूँ। तो हम डिस्क्रिमिनेशन किसी में नहीं करते, हमारा जो भी काम होता है बहुत जेन्युइनली होता है। तो मोर ओवर आप ये सोच लीजिए, हमारा मेन फोकस है सबको सेलिब्रिटी बनाना, और हर किसी में एक सेलिब्रिटी छुपा है। तो सेलिब्रिटी जब छुपा है तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम वही करते आए। That is lovely that Sai Baba is your CEO of the company, and also you told that you try to give equal platform to everybody, और जो लोग घर में हैं अपने talents को लेके बाहर नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप एक platform दे रही हैं। और साथ ही हमने सुना है कि आपने last 2 years में every year new year का calendars भी निकाला है, और उसमें आप different लोगों को add भी करती हैं, तो इस बार के calendar की खासियत हम जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि every year तो वी डोंट, मैंने हाँ 2018 में अपने ब्यूटी पैजेंट के दौरान वॉल कैलेंडर्स लॉन्च किए थे, जो कि सारी जितनी पार्टिसिपेंट्स थी वो उसमें फीचर्ड थी। उसके बाद हमने इस साल वॉल कैलेंडर के साथ साथ डेस्क कैलेंडर्स लाए, बट विद अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, अभी तक मार्केट में ये आया नहीं, अभी तक किसी ऑर्गेनाइज़र ने भी नहीं किया। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज़ नॉट माई मतलब प्लानिंग, ये मास्टर माइंड तो साईं बाबा जी हैं जो मुझे आइडियाज़ देते हैं और मैं करती आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना, यूजुअली क्या होता है कि डेस्क कैलेंडर में बर्थ मंथ के हिसाब से आपको एक फीचर किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं एक ऐसे कैलेंडर के साथ आऊँ कि जिसमें एक लेडी या एक ही पर्सनालिटी पूरे 12 महीने में फीचर रहे। क्योंकि मैं भी अगर चाहूँगी तो मैं कब तक वेट करूँगी कि भाई मेरा बर्थ मंथ आएगा तो मैं अपने आप को देखूँ, मैं क्यों देखना चाहूँगी दूसरों को, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, तो एवरीबडी लव देम सेल्फ। तो सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट के साथ आके मैंने एक घरेलू महिलाओं को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और वर्किंग वुमेन सेलिब्रिटीज़ को तो हर जगह जगह मिल जाती है, बट इन लोगों को सेलिब्रिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मारवा जी तो मतलब ही इज़ द सुपर स्टार, सो आई थिंक हम सर का दिखाते हैं कैलेंडर जिस तरह हमने बनाया है।
पहले तो हमारा कवर पेज है, फिर जनवरी का मंथ है, इसके प्लस पॉइंट ये क्या है, ये दो में पार्ट में डिवाइडेड है, तो मंथ अलग हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी पिक्चर किसी भी मंथ के साथ ऐड कर सकते हो। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिज़ाइन, यहाँ मंथ्स भी चेंज होते जाएंगे, आई डिड नॉट चेंज, बट हाँ इस तरह 12 महीने 12 पिक्चर्स हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, ये दूरदर्शी होके सोचा गया है कि कोई भी इस कैलेंडर को सिर्फ थोड़ी देर एक साल के लिए ना रखे, लाइफ लॉन्ग इसको प्रिजर्व करके रखे जब तक हो सकता है। तो वाई नॉट टू यूज़ इट एज अ, देखिए 12 महीने 12 कैलेंडर डिफरेंट मंथ्स, उसके बाद आप चाहें ये पेजेस निकाल के आप ऐसे फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। वाओ, और यहाँ पे कुछ भी आप पे नाम लिख लीजिए, कुछ भी आप करिए, तो दिस इज़ हाउ यू विल बी देयर इन साई एंटरटेनमेंट्स कैलेंडर। दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, आई मस्ट से कि मेरी शुरुआत सर से ही हुई है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सर का कैलेंडर भी बनाया। और ये कॉरपोरेट इवेंट्स, आई मीन कॉरपोरेट सेक्टर्स में सबके पर्सनलाइज जो कैलेंडर हैं ये सप्लाई हुए हैं, ताकि हर एक बंदा हर जगह प्रमोट हो। So this is a very interesting concept that you have brought the calendar in such a way which can be reused as well, and you can use it as an album itself. And you have said that वैसे भी महिलाओं का आपने इसमें pictures use किया है, जो सिर्फ months में नहीं आएंगी, वो पूरे calendar में पूरे 12 महीने छाई रहेंगी। और हम आपके एक नए या upcoming event के बारे में जानना चाहेंगे जो हमारे जितने भी viewers हैं वो सिर्फ follow कर सके। बिल्कुल, thank you so much, मैं आपका और मारवा जी का शुक्रिया करूँगी कि जो मुझे इस like समझा, क्योंकि सर ने मुझे ये कहा कि तुम इंटरव्यू दिए बिना जाओगी नहीं, तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक ऑनर है। तो मैं बताना चाहूँगी कि अब जो इवेंट होगा, शायद हमारे नेक्स्ट शो में सर भी जुड़ना चाहेंगे, संदीप जी भी कह रहे थे कि मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द किड शो। तो किड शो करने के लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, माई सन इज़ इन 10th, तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन अप्रैल। तो अभी तक तो किड शो है, मे बी उसके साथ कुछ और एड ऑन हो जाए। तो थैंक यू टू सर फॉर गिविंग मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड संदीप जी, थैंक यू फॉर द लव एंड ऑनर, एंड थैंक यू तन्वी। Thank you so much, ma'am, and we look forward to your collaboration with Marwa Studios, and we'll definitely like to see your calendars at everybody's places as well. Thank you so much, ma'am. अभी हमारे बीच मौजूद थी रिंकी शर्मा जी, जो डायरेक्टर है साई इंटरटेनमेंट की, और उन्होंने बताया कि उनकी इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो वैसी महिलाओं को भी बाहर लेकर आती है जो घर में काफ़ी दिनों से हैं, और उनके टैलेंट्स को शोकेस करने की कोशिश करती है, साथ ही बच्चों में भी जितने टैलेंट्स हैं उनको वो प्लेटफॉर्म देते हैं, और ऐसे ही वो अच्छे अपने मोटिव के साथ आगे बढ़ रही हैं, एंड वी विश देम अ वेरी गुड लक।